और अब खबरें उत्तराखंड से है। इस बीच बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाकों में भारी बारिश से ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मैदानी इलाकों में 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना यहां व्यक्त की गई है। ये बड़ी खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाके हैं जहां पर देखिए भारी बारिश की संभावना जताई गई है, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैदानी इलाकों में 7 दिनों तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक उत्तराखंड में प्रस्तावित है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। ये बड़ी जानकारी और बड़ी अपडेट, 15 जुलाई को नरेंद्र नगर के निजी होटल में बैठक प्रस्तावित है। बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम और 2 मंत्री शामिल होंगे। बैठक में कई बिंदुओं को लेकर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक उत्तराखंड में प्रस्तावित है। बता दें कि बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और इस बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही देखिए 2 मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। बैठक में कई बिंदुओं को लेकर भी चर्चा की जाएगी। अशोक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। अशोक, देखिए एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या उत्तर प्रदेश हो, वहां के सीएम के साथ मंत्रीगण भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। बिल्कुल, देखिए रीता, आपको बता दूं कि आगामी जुलाई के जो महीने में है, 15 जुलाई को नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होने जा रही है, इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और उनके साथ साथ इस बैठक में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो भी इसमें मौजूद रहेंगे और सभी राज्यों के 2-2 मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ अधिकारी जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। वहीं अगर इसकी तैयारियों को लेकर के बात करें तो आज उत्तराखंड में मुख्य सचिव एसआर संधू ने भी जो तमाम जो विभागों के सचिव हैं उनके साथ एक बैठक बुलाई है और प्रशासन सचिव द्वारा सभी विभागों के सचिव को एक सूचना भी जारी कर दी गई है और आज 28 जून यानी के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तैयारियों को लेकर के बैठक होगी। और अब इन मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक अगले महीने 15 जुलाई को अमित शाह की अध्यक्षता में होगी, इसको लेकर के बात की जाए तो ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण कही जा सकती है। क्योंकि देखिए अगर इस बैठक की बात की जाए तो आर्थिक और सामाजिक योजना के तौर पर आपस में राज्यों के समन्वय होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किस तरह से जो योजनाएं को धरातल पर उतारा जा सके, विकास को कार्यों को आपसी समन्वय पर किस तरह से उस पर काम किया जा सके, उसकी पूरी एक रिपोर्ट केंद्र को सौंपनी होती है। पिछली बार अगर बात करें तो पिछली बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है भोपाल में हुई थी, इस बार जो है उत्तराखंड में होने जा रही है तो साफ तौर पर कहा जा सकता है ये बैठक महत्वपूर्ण जरूर रहेगी। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी जब इसमें मौजूद रहेंगे तो किस आगामी जो योजनाओं को लेकर के कितना तैयार है सरकारें और अपने अपने राज्य में कितनी उस योजना को विकसित किए जाने को लेकर के क्या एक रोड मैप सरकारों के पास होगा, उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार के सामने रखी जाएगी और केंद्र सरकार द्वारा क्या कुछ दिशा निर्देश होंगे उसके लिहाज से भी देखा जाएगा। लेकिन आज जब मुख्य सचिव ने यह बैठक बुलाई है, सभी विभागों के सचिव को भी जानकारी दी जा चुकी है, इस बैठक में देखिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तो चर्चा होगी, साथ साथ तैयारियां किस तरह की रहेंगी। क्योंकि देखिए अमित शाह पहुंचेंगे और इस दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी, 4 राज्यों के सीएम इसमें यहाँ पर होंगे, 2-2 मंत्री सभी राज्यों के होंगे, कई अधिकारी इसमें मौजूद होंगे, तो सुरक्षा के लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तराखंड के लिए होगा क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता पूरे इंतजाम भी इसमें किए जाने हैं। तो उसको लेकर क्या मुख्य सचिव ने भी बैठक बुलाई है तो उसके बाद बैठक के बाद पता चलेगा कि मुख्य सचिव द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जी रीचा,
तो कुल देखिए अशोक, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि बैठक भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और 15 जुलाई को ये बैठक आयोजित भी होनी है और देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उनके सीएम भी मौजूद रहने वाले हैं और इस बैठक में किन किन बिंदु को लेकर बातचीत हो सकती है, क्योंकि ऐसी और भी कई बिंदु हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो हम अक्सर देखते हैं कि अनबन जरूर देखी जाती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के सीएम हो या फिर वो यूपी के सीएम हो, थोड़ी बहुत टकराव देखी जाती है क्योंकि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी हुई है फिलहाल। देखिए निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा ऋचा आपने, क्योंकि अगर बात करें तो राज्य सरकार अपने प्रदेश में जिस तरह अपनी योजना के अनुसार जरूरतों के अनुसार कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो महत्वाकांक्षी योजना है उसको ध्यान में रखते हुए और जनता के जो ज्यादा से ज्यादा उस योजना से लाभान्वित हो सके उसको लेकर के राज्य में जो है साफ तौर पर कहा जा सकता है उन योजना को धरातल पर उतारने का काम करती है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, अगर यहाँ इसके यहाँ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपसी समन्वय बनाना एक बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है, लेकिन वो समन्वय नहीं दिखता। इसीलिए आर्थिक तौर पर और सामाजिक योजना किस तरह से जो है जनता जो है लाभान्वित हो सके, विकास कार्यों को धरातल पर उतारा जा सके, उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और पूरी की पूरी रिपोर्ट एक केंद्र सरकार के सामने भी रखी जाएगी, उसके बाद क्या कुछ दिशा निर्देश होंगे देखिए ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होंगे ये बैठक में जब रखे जाएंगे उसके बाद गृह मंत्री द्वारा क्या कुछ दिशा निर्देश होंगे, केंद्र की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश होंगे और उस पर कितनी सहमति बनेगी, ये सारी चीजें जो है बैठक के बाद ही पूरी तरह से क्लियर हो पाएगी। चलिए अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। खबर देहरादून से है जहां परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त भूपेंद्र कुमार के विरुद्ध मिली वित्तीय अनियमितता, जिसके अलावा तमाम शिकायतों को मुख्यमंत्री धामी ने गंभीरता से लेते हुए भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। सीएम धामी ने परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त भूपेंद्र कुमार के विरुद्ध पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार में लिप्तता की गंभीर शिकायत पर खुली विजिलेंस जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम धामी ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जहां भी कोई गड़बड़ी पाई जाएगी फौरन एक्शन लिया जाएगा। धामी सरकार का भ्रष्टाचार पर एक कड़ा प्रहार देखने को मिला है। जहां पर भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं इस प्रकार की शिकायतों पर हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं, और जहां भी ये शिकायतें आई हैं या विजिलेंस के द्वारा जो भी कार्रवाई अमल में लाई गई है उस पर तत्काल आदेश किए गए हैं, तत्काल उस पर निर्णय लिए गए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में मूल पहचान छिपाकर रह रहे तकरीबन 5000 संदिग्धों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद एक्शन में आई उत्तराखंड पुलिस ने सत्यापन अभियान के जरिए ये कामयाबी हासिल की है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सही जानकारी छुपाने के पीछे क्या मकसद था, क्या देवभूमि को कलंकित करने की कोई ज्यादा साजिश थी। रिपोर्ट देखिए। गैर उत्तराखंडियों पर पुष्कर प्रहार, पहाड़ में 5000 संदिग्ध गिरफ्तार, पुलिस का जारी सत्यापन अभियान, जिहादियों की हो गई है नींद हराम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस का सत्यापन अभियान रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थिति ये है कि पिछले 6 महीने में ही पुलिस के हत्थे तकरीबन 5000 के करीब संदिग्ध चढ़ चुके हैं। सत्यापन अभियान के जरिए पुलिस ने सरकार को 95 लाख से ज्यादा कर राजस्व पेनल्टी के जरिए भी कम कराया है। खास बात यह है कि इस अभियान के तहत सबसे ज्यादा काम देहरादून और उधम सिंह नगर पुलिस की तरफ से किया गया। सत्यापन में अभी तक 1,80,000 1.8 लाख प्लस का सत्यापन हो गया है उत्तराखंड में। ये इस पीछे जनवरी 23 जनवरी से अब तक का 1,81,000 लोगों का सत्यापन हो गया है, उसपे करीब 5000 लोग अरेस्ट भी हुआ है, जो संदिग्ध पाए गए उन्होंने अपना क्रेडेंशियल्स ठीक से नहीं था पाया, वो लोग उसमें करीब 5000 लोग अरेस्ट भी हुए हैं और धनराशि भी काफ़ी फाइन लगाए गए 95 लाख के आसपास। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पिछले 6 महीने में पुलिस का सत्यापन अभियान क्या रंग लाया। प्रदेश में अब तक 4914 संदिग्ध लोगों की पुलिस ने की गिरफ्तारी।
अभियान को चलाने के लिए राज्य भर में गठित की गई कुल 2013 टीमें। देहरादून और उधम सिंह नगर में पुलिस ने की सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां। उधम सिंह नगर में 2834 तो देहरादून में 1376 संदिग्ध हुए गिरफ्तार। सत्यापन के दौरान 95,41,460 रुपए का राजस्व पाया। 26,000 लोगों पर लगाई गई 95,41,000 की पेनल्टी। हरिद्वार जिले में तीसरे नंबर पर 622 संदिग्धों की हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध पुलिस पूछताछ के दौरान अपनी पहचान छुपाने या गलत जानकारी देने की कोशिश कर रहे थे। इस अभियान के तहत राज्य भर में विभिन्न थानों और चौकियों को भी अपने स्तर पर लोगों के सत्यापन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें पुलिस अब तक लाखों लोगों का सत्यापन कर चुकी है। लेकिन सरकार के सत्यापन पर कांग्रेस ने मजहबी चादर डाल सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। देश के अंदर जो लंबे समय से कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, एक कैबिनेट मंत्री अपनी जान का खतरा बता रहे हैं, दूसरे कैबिनेट मंत्री के भाई के घर में दिन दहाड़े डकैती पड़ती है, और देखिए कि आज मुख्यमंत्री की उपस्थिति में खुलेआम मारपीट हो रही है। एक कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश में खुलेआम जो है आम आदमी से मारपीट करते हैं, दूसरे कैबिनेट मंत्री कैंट में अपने कार्यकर्ताओं से आम आदमी को पिटवाते हैं। तो ऐसे गुंडों का सत्यापन कब होगा, इन पर कार्रवाई कब होगी, ये भी सरकार को देखना चाहिए। सत्यापन सभी का होना चाहिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था बननी चाहिए, हम भी ये चाहते हैं, लेकिन भेदभाव ना हो और भेदभाव रहित होकर के अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम सरकार करे, लेकिन यहाँ तो जो है अपराधी खुलेआम घूम रहे। प्रदेश की धामी सरकार के सामने जिहादी मानसिकता को कुचलने की जितनी जिम्मेदारी है, उसे कहीं ज्यादा ऐसे संदिग्धों को देवभूमि से खदेड़ने की भी, जो पहचान छुपाकर पहाड़ में अराजकता फैलाने के साथ देवभूमि को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। देखना होगा सरकार का ये सत्यापन अभियान और कितना कारगर साबित होता है। इस बीच सवाल ये है कि क्या विपक्ष को ऐसे अभियानों का स्वागत नहीं करना चाहिए? सिर्फ विरोध पर विरोध करना कितना जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। भारतीय G20 प्रेसिडेंट के तहत तीसरी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक नरेंद्र नगर टिहरी में हुई। 3 दिवसीय IWG बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 63 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वही बैठक के दूसरे दिन तीसरे सत्र आयोजित किए गए, जिसमें प्रतिनिधियों ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा निवेश संकेतक लागू करने के तरीके पर चर्चा की। प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर जवानी प्रहार किया है। सौरभ बहुगुणा ने अपने बयान में कहा कि हरक सिंह को बिना सोचे समझे बयान नहीं देना चाहिए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत के राजनीतिक हित इस समय कांग्रेस के साथ हैं, इसलिए वो कांग्रेस के हित की बात करेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने देहरादून रीजनल के 10 स्कूलों की 10वीं और 12वीं की मान्यता खत्म कर दी है। उत्तराखंड और यूपी के यह सभी स्कूल प्रवेश जनरल मान्यता पर चल रहे थे। इन स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं नियमित तौर पर नहीं हुई। छात्र मान्यता के नियमों को पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद CBSE के संयुक्त सचिव इन्फ्लेशन की ओर से इन सभी स्कूलों की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी किए गए। तो देखिए, इन 10 स्कूलों की 10वीं और 12वीं की मान्यता रद्द हुई है। आपको दिखा देते हैं, देव ऋषि विद्यापीठ जो कि मुजफ्फरनगर में है, वीर शिवा रेजिडेंशियल स्कूल किच्छा जो कि US नगर है, स्प्रिंग डेल स्कूल काठगोदाम हल्द्वानी में है, बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानीपुर हरिद्वार में है, और उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा तहसील के अंतर्गत आपदा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया।
मॉनसून को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने इस क्षेत्र में आपदा कंट्रोल चौकियां स्थापित करने के साथ साथ खटीमा तहसील में आपदा राहत कंट्रोल रूम भी स्थापित किया। वहीं खटीमा के उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि मॉनसून को देखते हुए हमने आपदा राहत कार्य को व्यवस्थित ढंग से किए जाने के लिए आपदा कंट्रोल रूम की स्थापना कर ली है। मॉनसून में भारी बारिश को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रदेश भर में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को यात्रा मार्ग के साथ साथ संवेदनशील आपदा के इलाकों में डेब्यूट किया गया है। एडीजीएल ओबी मुरुगेशन के अनुसार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ चाक चौबंद है, किसी भी संभावित घटना से निपटने के लिए उन्हें निर्देश दिए गए हैं। यात्रा चल रहा है और एसडीआरएफ को हमारे दोनों कुमाऊं गढ़वाल रीजन में अप्रोप्रिएट प्लेसेस में टीमें नियुक्त की गई है। करीब 30 प्लस सब टीमें लगा हुआ है और उनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है डिस्ट्रिक्ट एसपीस को और हमारे एसडीआरएफ के, और कुछ जगह पे हमारे एनडीआरएफ का टीम भी लगी हुई है, वो भी हमारा मदद करें। और खबर देहरादून से है, जहां देहरादून पुलिस ने ऐसे शातिर चोरों को पकड़ा है जो मोबाइल टावर से कीमती पार्ट्स चुराते थे जो मोबाइल नेटवर्क सर्विस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दरअसल देहरादून में पिछले कई दिनों से देहरादून में कई मोबाइल टावरों की सर्विस अचानक बंद हो गई थी, जिसके बाद मोबाइल उपभोक्ताओं की शिकायतों पर जब टावर लगाने वाली कंपनियों से टावर चेक किए गए तो टावर पर सर्विस देने वाले उपकरण ही गायब थे, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि एक राज्य स्तरीय शातिर चोरों का गिरोह देहरादून में कहीं टावर से इस तरह की चोरी कर चुका है। पुलिस ने इन चोरों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई और सीसीटीवी कैमरों की मदद से अलग अलग राज्यों में तवीश देकर चार शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं और टावर से कीमती पार्ट्स चुराते थे। फिलहाल देखिए पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है और इन सभी आरोपियों से पूछताछ भी हो रही है। हमारे थाना वाइज थानावार हम लोगों ने जो है जो पीस कमेटी मीटिंग है उसकी कमेटी है उनकी मीटिंग हो गई है और हमने जो संवेदनशील इलाके हैं जो मिक्स पॉपुलेशन वाले इलाके हैं वहाँ पर विशेष हमारी नज़र रहेगी। सब लोगों से बातचीत हो गई है, सारे अधीनस्थों को हमारे इंटेलिजेंस यूनिट को सबको हमें अलर्ट कर दिया है और जैसे अन्य धार्मिक त्यौहार पीसफुली संपन्न हुए ये भी जो आपका करीब भी बिल्कुल जनपद में गदरपुर के मकरंदपुर गांव में ग्रामीणों के साथ पुलिस ने संयुक्त रूप से जन जागरूकता रैली का आयोजन किया। थाना अध्यक्ष राजेश पांडे ने कहा कि यहां पर लगातार शराब और नशा बेचने की शिकायतें मिल रही थी, ग्रामीणों की अपील पर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। राजेश पांडे ने कहा लोग नशे के खिलाफ हैं और क्षेत्र में नशा नहीं बिकते। नशा मुक्त संकल्प, नशा मुक्त प्रदेश, नशा मुक्त प्रदेश का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय का है और उसी संकल्प का पालन और उसी संकल्प के उद्देश्य के लिए आदरणीय डीजीपी महोदय उत्तराखंड उनके निर्देशानुसार यहाँ कप्तान साहब के आदेश पर एक रैली का आयोजन किया गया है जिसमें यूथ ने हमारा कंधे से कंधा मिलाकर पूरा सहयोग किया है और हम जितना युवाओं में जोश है उसे देख के ये लगता है कि हम यहाँ पहले हमने कमी तो लाई है पहले से लेकिन हमें लगता है कि हम इसको पूरा 0% पर लाएंगे और पूरा नशा मुक्त गदरपुर करके दम लेंगे। क्योंकि केवल रैली में इस वजह से नहीं आए हैं क्योंकि हमने रोका है, हमने सहयोग मांगा, ये इस वजह से आए हैं क्योंकि इसे इन यहाँ की क्षेत्र के पूरे यूथ को ये भरोसा है गदरपुर पुलिस पर, महतोष चौकी पर, सभी पर भरोसा है, इसीलिए हमारे भरोसे पे ये लोग यहाँ पे आए हैं। कोटद्वार में हनुमंती में देर रात एक गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। ग्रामीणों ने खाई में गाड़ी गिरने की जानकारी पुलिस चौकी इंचार्ज को दी। ड्राइवर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अल्मोड़ा शहर में पानी निकालने की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने 19 करोड़ की लागत से 39 नाले चिन्हित किए हैं। पहले फेज में मॉनसून को देखते हुए शहर के प्रमुख 17 नालों का निर्माण कार्य चल रहा है। जल्द ही नाले बन जाएंगे ताकि ड्रेनेज से लोगों को राहत मिल सके। मैं
आपदा के दृष्टिगत रखते हुए जो फर्स्ट फेज में 39 नायलों का कम से कम चयन किया गया था, जिसमें इरीगेशन द्वारा काम किया जा रहा है, जिससे हमारे शहर की बरसात में आने के टाइम पर ड्रेनेज व्यवस्था सुधरेगी। तो फर्स्ट फेज के अंतर्गत 39 नाले हैं इसमें, जिसमें से अभी क्योंकि जब सैंक्शन मिली है तो समय काफ़ी कम रह गया था मानसून से पहले, तो जो प्राथमिकता वाले एरियाज हैं उसमें पहले इनको निर्देशित किया गया था कि काम प्रारंभ करें। उसके अंतर्गत ये लोगों ने अपना लगभग 17 के आसपास नालों पर काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।